नमस्कार ओम शांति, आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की खबरें नॉनस्टॉप। महाराष्ट्र के बीट सेवा केंद्र द्वारा कनाल रोड के सूर्य लॉन्स में नई सुबह की नई किरण विषय पर समारोह। ब्रह्म कुमारी संस्थान के संयुक्त मुख्य प्रशासक 95 वर्षीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने दिया अपना आशीर्वचन। हमारे अंदर यह शुभ भावना प्रज्वलित रहे कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को 95 किलो के सुंदर फूलों की माला पहनाकर किया गया सम्मानित। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। इस समारोह में 104 वर्षीय अहमदपुरकर महाराज, सांसद प्रीतम मुंडे, नगर परिषद अध्यक्ष भारत भूषण क्षीरसागर, जिला कलेक्टर राहुल रेखावर, माउंट आबू सैर शांतिवन के मुख्य अभियंता बीके भरत, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, सोलापुर की उप क्षेत्रीय संचालिका बीके सोमप्रभा ने भी रखे अपने विचार। हठयोग, मंत्रयोग, तंत्रयोग, इसमें राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, केवल प्रबल द्वारा चित्त को एकाग्र करके उस भगवान परमात्मा की परमात्मा में विलीन करना, यह इसका उद्देश्य है। इस समारोह में मौजूद अतिथियों ने भी अपने सुंदर विचार रखते हुए सभी को दी कई प्रेरणाएं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में हेल्दी हार्ट कार्यक्रम। जैन सोशल फेडरेशन द्वारा संचालित आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल के अंतर्गत प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित हृदय रोग से कैसे स्वयं का बचाव किया जा सके व राजयोग मेडिटेशन कैसे खतरनाक बीमारियों में भी कारगर साबित होता है, इसके बारे में उदाहरण के साथ स्पष्ट रूप से दी गई जानकारी। कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, उनसे राय लेनी है, दवा लेनी है और दवा के साथ साथ मेडिटेशन करना है, तो राजयोग मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा। इस मौके पर उपस्थित कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिजीत पाठक ने मरीजों को अपनी बीमारियों को खत्म करने के लिए आहार विहार विचार और उपचार को बताया जरूरी, साथ ही राजयोग मेडिटेशन की हार्ट अटैक रोकने में क्या भूमिका है इस पर भी की चर्चा। आहार विचार और संचार, ये तीनों चीजों का बहुत महत्व है और ये राजयोग मेडिटेशन में तीनों चीजें कवर की जाती है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिकेत कटारिया ने स्लाइड शो के जरिए हृदय रोगी पेशेंट में हुए सकारात्मक बदलाव को साइंटिफिक पैरामीटर के साथ किया प्रस्तुत। वहीं चिकित्सकों ने उन रोगियों को सम्मानित किया जिन्होंने राजयोग और सकारात्मक जीवन शैली के जरिए अपनी बीमारी पर काफी हद तक विजय पाई थी। मुख्यालय शांतिवन में ओडिशा के विधानसभा स्पीकर सूर्य नारायण पात्रा सपरिवार 2 दिवसीय दौरे पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे। शांतिवन स्थित डायमंड हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सूर्य नारायण पात्रा ने कहा कि आध्यात्म और राजयोग की शक्ति से व्यक्ति के अंदर सुंदर परिवर्तन होता है। आप इतने फैमिली से इतने माँ बहन भाई आए हैं, अपने आप को भाई बहन समझ के जो यहाँ काम करते हैं, सेवा करते हैं, ये काम मैंने कभी कहां भी देखा नहीं। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बिक्की मृत्युंजय ने कहा कि जीवन में अच्छाई का समावेश तभी होता है जब हम मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर बेरहमपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके माला एवं सब्जोन प्रभारी बीके मंजू भी उपस्थित रहीं। मेरा भारत स्वर्णिम भारत आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी बस अभियान के इंदौर पहुंचने पर श्री बनवारी लाल जादू सभागृह और लोखंडे हॉल में भव्य सम्मेलन। प्रेमनगर सेवा केंद्र द्वारा श्री बनवारी लाल जादू सभागृह में आयोजित सम्मेलन का विषय रहा लिविंग हेल्दी लाइफ। सम्मेलन में महाश्री समाज के अध्यक्ष राम स्वरूप दूत, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी एसोसिएशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर ए के जैन, प्रेमनगर गुरुद्वारे के प्रतिनिधि सुरजीत सिंह टुटेजा, प्रेमनगर सेवा केंद्र प्रभारी बी के शशि समेत अभियान यात्रियों ने सभा को किया संबोधित। अपनी किताब अपनी पढ़ाई लिखाई एक तरफ छोड़कर सिर्फ एक ही बात मन में आएगी,
कोई शिव बाबा कृपा कर दे, स्थानीय सेवा पर विराजमान हो जाए, कुछ ऐसा बुलवा दे कि जो कि पसंद आ जाए और जिससे कुछ जन कल्याण कार्य जो इस प्रजापिता प्रमुख माननीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जो चल रहा है। हम जब भी अपना कीमती समय निकाल के आते हैं सेंटर पे, तो यहाँ से जरूर कुछ सीख के जाए। परमात्मा से मिलाप कैसे होना है हमारा। सम्मेलन के अंत में शिव ध्वज फहराया गया और सभी को जीवन में नैतिक मूल्य, स्वच्छता और सकारात्मक चिंतन जैसे गुणों को धारण करने की भी कराई गई प्रतिज्ञा। परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश देने के लिए शांति यात्रा का पुणे के विमान नगर सेवा केंद्र द्वारा आयोजन। इस यात्रा का शुभारंभ सभासद राहुल भंडारे ने किया और अपने वक्तव्य में कहा कि ब्रह्मा कुमारी परिवार द्वारा जो समय प्रति समय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उससे समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना होती है। रैली के पश्चात गंगापुरम चौक के ग्राउंड में 12 ज्योतिर्लिंग दिव्य दर्शन और आध्यात्मिक हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मेले का आयोजन। 4 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान जिंदगी बने आसान विषय पर भी चर्चा। बीके आस्था और बीके प्रयागा समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद। हरियाणा के कादमा में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा ने लोगों को रक्तदान का महत्व बताते हुए कहा कि रक्तदान महादान है जिससे हम किसी का भी जीवन बचा सकते हैं। वहीं बतौर मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया व भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के संयोजक पवन कुमार ने रक्तदान को सर्वोत्तम समाज सेवा बताया। मध्य प्रदेश के नीमच सेवा केंद्र पर 5 दिवसीय तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन ट्रेनिंग कैंप। एरिया डायरेक्टर बीके सुरेंद्र, सब जोन संचालिका बीके सविता और बीके श्रुति ने तनाव से मुक्ति के लिए बीच बीच में समय निकालकर ईश्वर का ध्यान करने की दी सलाह। हरियाणा में कादमा के ब्रह्मा कुमारीज और हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन। कई लोगों ने किया रक्तदान। बीके ज्योति को स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया सम्मानित। आगरा के मोहन नगर सेवा केंद्र के द्वारा आवलखेड़ा में भव्य गीता पाठशाला का शुभारंभ। शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। गुरुग्राम के सेक्टर 4 सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश ने भोंसी में बनने वाले अनुभूति भवन का किया भूमि पूजन। सोना सेवा केंद्र प्रभारी बीके अलका, बीके ओषा समेत अनेक सदस्यों ने दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में राजिम के नवापारा में सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को बीके नारायण ने किया संबोधित। कहा, हम जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, जिसके लिए नैतिक मूल्यों का सिंचन विद्यार्थी जीवन में ही करना होगा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने समय को महत्व देने की कही बात। मेरा भारत स्वर्णिम भारत बस अभियान के इंदौर के प्रेमनगर पहुंचने पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजन एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस विषय पर अभियान यात्रियों ने डाला प्रकाश। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि, बीके पूजा, कॉलेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर रेणु जैन रही उपस्थित। बेंगलुरु के कोदगाल हट्टी में नई गीता पाठशाला का उद्घाटन। यलहंका सेवा केंद्र के एडमिनिस्ट्रेटर बीके विजयलक्ष्मी, कुमारापाक सब जोन के बीके सरोजा, बीके सुरेंद्र ने दी शुभकामनाएं। श्री SB पीपल्स एजुकेशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भद्रैया, ग्राम पंचायत सदस्य ए श्रीनिवास समेत अनेक अतिथियों ने संस्थान के प्रयासों को सराहा। आसपास के लोग भी हुए खुश। पर अभी मैं जहाँ नागनहली दुर्बलापुर रोड में रहती हूँ, तो वहाँ से मेरा ये नियर बाई पड़ता है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। और इस ज्ञान से घर परिवार और खुद को हम अच्छे से चलाते हैं और इस ज्ञान से मुझे बहुत लाभ हुआ है। भुवनेश्वर में अलारपुर के शिव संदेश भवन में स्पिरिचुअल टॉक का आयोजन। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी नगर के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ मिश्रा ने बताया कि कैसे हम अपने आप को व्यस्त और खुश रख सकते हैं। माउंट आबू से आई बीके मंजू, बीके तपस्विनी ने सकारात्मक चिंतन पर दिया बल। छत्तीसगढ़ में राजिम के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम। बीके नारायण ने परीक्षा में निर्भय होकर कैसे सफलता प्राप्त करें विषय पर किया संबोधित। शहडोल से आई बीके रेशमा ने बताया कि आप इसी क्षण दृढ़ संकल्प लें तो आशावादी बन जाएंगे। हरियाणा में नारनौल के जिला कारागार में बीके भगवान ने कैदियों को पढ़ाया कर्मों की गुह गति का पाठ। डिप्टी जेलर कुलदीप सिंह, जेल अधीक्षक नरेश कुमार ने बीके सदस्यों का माना आभार।
जब आया था, व्यक्ति जन्मता अपराधी नहीं होता, जब वो आया था अच्छे विचारों से भगवान ने उसको भेजा था, लेकिन यहाँ करके काम विकार के वश, क्रोध के वश, लोभ लालच के वश होकर के वो गलत रास्ते पे पहुंच गया। ग्वालियर में टेकनपुर के बीएसएफ अकादमी में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर कार्यशाला। बीके प्रहलाद ने कहा, आप भले ही भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं, लेकिन कभी उसके लिए चिंतित ना हो। बीके महिमा ने राज्यों का कराया अभ्यास। कर्नाटक में मंगलुरु के संजीवनी वेलनेस सेंटर का वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके शिवानी समेत अनेक सदस्यों ने किया शुभारंभ। सेवा केंद्र पर भी आयोजन। हुबली सब जोन प्रभारी बीके निर्मला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विश्वेश्वरी रहे मौजूद। हरियाणा में नारनौल के अरविंद हाई स्कूल में बीके भगवान ने बच्चों को बताया नैतिक शिक्षा का महत्व। डायरेक्टर बालकृष्ण सैनी भी उपस्थित। वहीं हरियाणा पब्लिक स्कूल में बीके भगवान ने कहा कि छात्रों में सशक्तिकरण की आवश्यकता है, जो राजयोग से ही संभव है। नेपाल में हेटौड़ा सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक प्रवचन कार्यक्रम। बीके सुशीला। मेयर हरि बहादुर महत ने कहा कि सत्यता की शक्ति को अस्त्र बनाकर हर कार्य करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। उप महापौर मीना लामा भी रही मौजूद। तमिलनाडु के होसूर सेवा केंद्र पर वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम। टीपीएस ओएच के चेयरपर्सन शुभांगी सेवा कुमार ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। जीसीआई की महिला विंग के अध्यक्ष बी अंबिका, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुचित्रा समेत कई महिलाएं रही उपस्थित। वडोदरा में मंगलवाड़ी के दीनदयाल हॉल में बीके शिवानी ने थिंक राइट नो मैटर वॉट विषय पर रखे विचार। क्रिएटिंग योर डेस्टिनी विषय पर पोलो क्लब ग्राउंड में भी आयोजन। सेवा केंद्र द्वारा झांकी व रैली का भी आयोजन। हरियाणा में कालांवाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और शहीद भगत सिंह कॉलेज में बीके भगवान ने बताया जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। सेवा केंद्र पर सकारात्मक विचारों द्वारा तनाव मुक्ति के सिखाए गुर। अन्य विशिष्ट लोगों व बीके बहनों ने रखे अपने विचार। सब की उस परमात्मा पर छोड़ दो, अपनी अच्छी सोच बनाओ, तनाव मुक्त रहने के लिए जीवन शैली को बनाओ, ताकि अपने जो समातक है उसको अपना जीवन में उतार सके। राजकोट के स्कॉन सिटी में आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में गुजरात जोन के निदेशक बीके भारती, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके अंजू और बीके किंजल ने परमात्मा अवतरण का दिया संदेश। हर परिस्थिति में खुशहाल रहने की सिखाई विधि। पंजाब में रामा के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल और डीएवी पब्लिक स्कूल में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा कि नैतिक मूल्यों की कमी व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय एवं सर्व समस्याओं का मूल कारण है। रामा के पूजा नर्सिंग होम में प्राचार्य मधु अनीता, सीनियर शिक्षक आशीष समेत अन्य लोगों की उपस्थिति में बीके भगवान ने कहा कि राजयोग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। आगे द मिलेनियम स्कूल में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास के लिए राजयोग का बताया महत्व। वहीं रामा सेवा केंद्र पर बीके भगवान ने सभी से अपने हर समय संकल्प और श्वास को सफल करने का किया आह्वान। समाज सेवी भूषण कुमार ने कार्यक्रम को सराहा। बीके शिवाली और बीके मधुबाला रहे मौजूद। गाजियाबाद में वसुंधरा गीता पाठशाला के द्वारा साहिबाबाद के इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में मेकिंग वर्क अ प्लेजर विषय पर कार्यक्रम। ओम शांति रिट्रीट सेंटर साहिब बीके दिव्या रहे मुख्य वक्ता। बीके श्वेता और बीके गीतिका भी रहे उपस्थित। दिल्ली पब्लिक स्कूल में सकारात्मक चिंतन का बताया गया महत्व। समय की पुकार आध्यात्म ही जीवन का सार विषय पर दिल्ली के शालीमार बाग में कार्यक्रम। गुरुग्राम साहिब बीके सोनिया ने तनाव मुक्ति के सिखाए गुर। मुंबई के बांद्रा में बैंड स्टैंड की सेवाओं के 5 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजन। सुप्रसिद्ध राइटर सलीम खान, शशिलाल नायक, बैंड स्टैंड के चेयरमैन रॉबिन नाथ को बीके शोभा ने दी ईश्वरी सौगात। 15 मिनट में 50 खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।